नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जी की आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्रों, आज से हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और चूंकि एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज से मैं इकोनॉमिक्स का 15 सेट का एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैं आपके सामने लाऊंगा। और इन्हीं 15 श्रृंखला से यानी 15 सेटों से आपका पूरा इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएगा। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। आज मैं आपके लिए पहला सेट लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का, और एक क्वेश्चन को भी आप स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे और इससे आप जरूर लाभ उठाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न दिया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये भारत में कब लागू हुआ है, यही बात पूछा गया है। ऑप्शन दे रहा है 1936, 1948, 1951, 1956। याद रखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1948 में। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि ये अधिनियम क्या है, इस अधिनियम में कौन सी बातें कही गई हैं। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए यह कानून भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जो 1948 में बना। इसमें यह तय किया गया है कि कोई मजदूर कितना दिन तक कार्य करेगा, कितना घंटा काम करेगा, और यदि वो काम करेगा तो उसके कार्य के बदले उसको किस तरह से वेतन दिया जाएगा। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई मजदूर महीने के 26 दिन तक कार्यों को कर लेता है तो फिर उसके कार्य को 30 दिन तक माना जाएगा, यानी एक माह मान लिया जाएगा। अब इसमें कैसे क्लियर किया गया है, तो ये बात बताया गया है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय में कोई कार्यरत अकुशल मजदूर होगा, जो कुशल नहीं है उसको 225 रुपये दिया जाएगा, अकुशल के लिए 225। अगर वो अर्ध कुशल होगा तो उसको 240 रुपये दिए जाएंगे अर्ध कुशल के लिए। अगर वो कुशल मजदूर होगा, बढ़िया काम करता होगा, तो उसको 310 दिए जाएंगे, और यदि वो बहुत बेहतर काम करेगा तो उसको 360 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिया जाएगा। तो याद रखेंगे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, 1948। चलिए हम अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से रिलेटेड नहीं है? निर्यात संवर्धन से रिलेटेड नहीं है, तो निर्यात का मतलब सीधा हो गया कि जो चीज़ें व्यापार से संबंधित होगी हम उन्हीं वस्तुओं का निर्यात या आयात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया रहा है, व्यापार विकास प्राधिकरण, दूसरे में दिया है खनिज तथा धातु व्यापार निगम, तीसरे में है सरकारी विपणन समितियाँ, और चौथे में है भारतीय राज्य व्यापार निगम। यहाँ देखें व्यापार विकास प्राधिकरण ये निर्यात संवर्धन से संबंधित है, यानी कोई वस्तु किस तरह से बाहरी मार्केट में जा रही है, कोई वस्तु कैसी आ रही है, इसके लिए व्यापार विकास प्राधिकरण कार्य करता है, तो ये इससे रिलेटेड है। तो अगर ये रिलेटेड है तो ये आंसर नहीं बनेगा। खनिज तथा धातु व्यापार निगम, खनिज से संबंधित वस्तुएं जो भी हैं, धातु से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, उसको विदेशी व्यापार में कैसे निर्यात करना है ये व्यवस्था यही निगम देखता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी निर्यात संवर्धन से संबंधित है। सरकारी विपणन समितियां, यानी सरकार के लिए जो कुछ भी समितियां काम कर रही हैं उसको निर्यात से कोई वास्ता नहीं है, तो यही आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा भारतीय राज्य व्यापार निगम, क्योंकि ये भी व्यापार से रिलेटेड है, निर्यात संवर्धन से है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पूछा है कि जो निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है वही आपका आंसर है। इस तरह से आपका राइट आंसर बनेगा सहकारी विपणन समितियां। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा टैक्स है, टैक्सों का ऐसा समूह है इस ऑप्शन में जिसको केंद्र सरकार वसूलती है, इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसकी वसूली केंद्र सरकार करती है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से आपको चुनना है। पहला ऑप्शन दिया है उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा सीमा शुल्क, दूसरे में दिया है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, आयकर सीमा शुल्क, गृह कर, और अंतिम ऑप्शन में है सीमा शुल्क, मनोरंजन कर तथा आयकर। आइए हम देखते हैं कि किसकी वसूली भारत सरकार करती है। उत्पाद शुल्क राज्य सरकार भी वसूलती है, और
केंद्र सरकार भी वसूलती है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी वसूला जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी वसूला जाता है। यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एस और सी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। बिक्री कर ये पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, राज्यों के आय का ये सबसे बड़ा स्रोत है बिक्री कर, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट टैक्स। तो इसकी वसूली स्टेट गवर्नमेंट करती है। और ये चूंकि पूछा है कि जो केंद्रीय कर है सिर्फ उसी को बताना है जिसकी वसूली भारत सरकार करे, तो चूंकि इसमें एक स्टेट आ गया इसलिए आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि मैं सीमा शुल्क को बता दूं कि सीमा शुल्क की वसूली भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। यहाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों करता है, तो चलिए इसको सेंट्रल में भी ले सकते हैं और स्टेट में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बिक्री कर फाइनली केवल स्टेट से है इसलिए ऑप्शन नहीं बनेगा। उसके बाद देखें उत्पाद शुल्क, फिर वही चीज़, यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी वसूली, अगर केंद्रीय उत्पाद शुल्क होगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य उत्पाद शुल्क होगा तो उसको स्टेट गवर्नमेंट। फिर सीमा शुल्क, सीमा शुल्क की वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और इनकम टैक्स आयकर, इसकी वसूली भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो यहाँ देखें अगर तीनों में हम सेंट्रल 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 लेकर चलें तो ये आपका सही आंसर बन रहा है, यही आपका आंसर सही जा रहा है, क्योंकि इसके बाद देखा है आयकर, आयकर हो गया सेंट्रल, सीमा शुल्क भी सेंट्रल, लेकिन गृह कर हो गया आपका कौन सा स्टेट गवर्नमेंट। इसमें देखें सीमा शुल्क सेंट्रल, मनोरंजन कर स्टेट, आयकर फिर आपका हो गया सेंट्रल। तो कुल मिलाकर यही एक ऑप्शन है जो सही जा रहा है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। तो हमें मालूम चला कि केंद्रीय कर जो है, केंद्रीय कर जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उनमें से यही एक ऑप्शन है जिसमें तीनों की वसूली भारत सरकार करती है, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर, इसलिए ये आपका सही आंसर बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट है और कौन सा ऐसा टैक्स है जो इसमें इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर जनता से सीधे पैसा वसूला गया तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और अगर इनडायरेक्टली तरीके से पैसा ले लिया गया तो आपको इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे अगर आप कभी किसी दवा की दुकान पर जाते हैं और दवा दुकानदार से आप कोई भी दवा मांगते हैं कि हमें दवा चाहिए, तो आप देखेंगे दुकानदार कभी भी आपसे ये नहीं कहता है कि आप दवा का दाम दीजिए और साथ ही साथ टैक्स दीजिए, वो नहीं मांगता है, क्योंकि उसे पता है कि ऑलरेडी उसमें पहले से ही टैक्स जोड़ लिया गया है, वो चीज़ें जोड़ ली गई हैं। तो चूँकि सामानों की बिक्री कर रहा है ना, वो बेच रहा है सामानों को, इसलिए वहाँ पर पहले से उसमें टैक्स जोड़ा गया है, तो वो बिक्री कर में आता है। वो बिक्री हो गया कैसा, इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपको डायरेक्ट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन यदि आप किसी विभाग में सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस करने के दौरान आपका एक ये कॉम्बिनेशन चलता है कि 5 लाख रुपया तक अगर आप एक साल के अंदर कमा रहे हैं तो आप टैक्स से बाहर हैं, लेकिन 5 लाख रुपया से अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट सरकार के खाते में कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो हो गया आपको डायरेक्ट टैक्स। तो आइए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का देख लें कि कैसे कैसे ये बनता है। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट के लिए क्या सूत्र होता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है विप्रो, डायरेक्ट के लिए याद क्या रखना है, विप्रो को इन डॉट, यहाँ पर को और डॉट फिन इन, विप्रो को इन। अब देखिए क्या हो गया, WE वेल्थ टैक्स यानी धन कर, PRO प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर, CO कारपोरेट टैक्स जिसको हम निगम कर कहते हैं, सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, निगम कर, भारत सरकार इसकी वसूली करती है। और ये IN इनकम टैक्स यानी आयकर, ये जितना भी है ये सब के सब क्या है, डायरेक्ट है, ये सब डायरेक्ट है। वेल्थ कर, प्रॉपर्टी कर, कॉरपोरेट टैक्स जिसको हम निगम कर कहते हैं, इनकम टैक्स जिसको हम आयकर कहते हैं, ये सभी डायरेक्ट टैक्स है। अब आइए थोड़ा सा हम यहीं पर देखते हैं इनडायरेक्ट कौन कौन है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन है, तो इनडायरेक्ट टैक्सों के लिए एक सूत्र याद रखिएगा, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी GST, एक्सक्यूज मी GST। देखिए ये इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रिक है, एक्साइज ड्यूटी, EX से क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। CU कस्टम ड्यूटी, CU से क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब हो गया सीमा शुल्क, यानी जो
आयात और निर्यात पर टैक्स लगता है व्यापार के लिए, उसको हम कौन सा टैक्स कहते हैं? कस्टम ड्यूटी, जिसकी वसूली भारत सरकार करता है, और ये भी हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। फिर यहाँ पर देखें एसी हो गया सर्विस टैक्स, जिसको हम कहते हैं सेवा कर, सर्विस टैक्स यानी सेवा कर। और ये एम से हो गया मार्केट टैक्स यानी बिक्री कर, जो भी इनडायरेक्ट है। और ई से हो गया इंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर, जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है, तो ये भी इनडायरेक्ट है। और जीएसटी, ये तो आप खूब सुने होंगे, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जिसकी वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर करती हैं, राज्य सरकारें भी कुछ हद तक वसूलती हैं। तो जीएसटी जो बाद में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सारी टैक्स की कहानी है, थोड़ा सा ये बड़ा चीज़ें था इसलिए समझाना हमको ज़रूरी था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? अल्पाधिकार, मार्केट पर आपका कब कम अधिकार रहेगा? जब मार्केट में कंपनियों की संख्या बढ़ जाएगी। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आपका अल्प अधिकार है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि फर्मों की संख्या मार्केट में क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा कंपनी हो जाने के चलते आपका मार्केट पर अधिकार क्या होता है, कम हो जाता है, यानी यही आपका सही आंसर बन जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न को आइए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक और शानदार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपके सामने। भारत में बीमा क्षेत्र यानी जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इसको नियंत्रित कौन करता है? यानी देश में जो भी इंश्योरेंस वगैरह होता है, इसको नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई। देखिए, याद दिया है आरबीआई, जी नहीं, आरबीआई ये बैंकों को नियंत्रित करने का काम करता है, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, इसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद रहा है कि सीआईआई का मतलब यहां पर हो गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी ये उद्योगों को नियंत्रित करने का काम करता है, कल कारखानों को नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दिया है इरडा क्या होता है, तो इंश्योरेंस, देखिए यहां पर आ गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा इसको कहते हैं, जिसका गठन 1999 में किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना, इसको कंट्रोलिंग करना। यानी बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वो इरडा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ये हैदराबाद में है। और सेबी की जहाँ तक बात रही, तो सेबी का काम है शेयर मार्केट को नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत में शेयर मार्केट की सबसे बड़ी संस्था है, तो चूंकि यहाँ पर पूछा था बीमा क्षेत्र का, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, इरडा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें, बढ़िया क्वेश्चन। ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे, यानी ग्रामीण बैंक किसके सिफारिश पर स्थापित हुआ था, और ये 5 ग्रामीण बैंक कब स्थापित किए गए थे? 1973, 1974, 1975, 1976 में, आपका सही आंसर बनेगा 1975 में। याद रखेंगे 1975 में 5 बैंकों का गठन किया गया था, किसके कहने पर? नरसिंहम समिति, याद रखेंगे नरसिम्हन समिति के कहने पर ये 5 बैंक ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। इन बैंकों का अगर विनिमय कहा जाए कि जो ग्रामीण बैंक है उनका विनिमय कौन करता है, तो इनका विनिमय करता है नाबार्ड। आप नाम सुने होंगे नाबार्ड, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कृषि बैंक कहते हैं, यह कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास से रिलेटेड बैंक है। देखिए NSA क्या हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रामीण विकास, और ये बैंक जो है कृषि बैंक है, देश का सबसे बड़ा कृषि बैंक, जिसका हेडक्वार्टर भारत के किस शहर में है, मुंबई शहर में है, ये भारत के मुंबई शहर में है। और इस बैंक को बनाया गया था 1982 में बनाया गया था। तो याद रखिएगा नरसिंहम समिति की रिपोर्ट पर भारत में ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया कब, 1975 में, ये आपको याद रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है।
यानी जो देश विकास नहीं किए हैं उनकी गरीबी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दे रहा है शैक्षिक निष्क्रियता, आय की असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों की आवाज़ और लोगों में बुद्धि का अभाव। कह रहे हैं कि जो देश विकसित नहीं हुए हैं यानी जो अल्प विकसित हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनकी गरीबी का कारण क्या है कि वो लोग अपनी इच्छा से निष्क्रिय हैं यानी काम करना नहीं चाहते हैं। जी नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम गरीब हो जाएं। उसके बाद देखिए आय की असमानता, जी हाँ आय की असमानता है और यही गरीबी का मुख्य कारण है, किसी के पास धन ज़्यादा है किसी के पास धन कम है। सांस्कृतिक गतिविधियों की आवाज़, जी नहीं सांस्कृतिक गतिविधियाँ तो जो अल्प विकसित देश है वहाँ भी होता है, जो विकसित देश है वहाँ भी होता है, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। लोगों में बुद्धि का अभाव, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो पिछड़े हुए देश है वहाँ के लोगों के पास बुद्धि नहीं होता है, ये गलत है। आपका सही आंसर बनेगा आय की असमानता। चलिए हम अगला प्रश्न देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, संघ उत्पाद शुल्क। कह रहा है कि भारत सरकार सबसे अधिक टैक्स की प्राप्ति किसे करती है? इनकम टैक्स से, जी नहीं ये गलत है। सीमा शुल्क, ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। निगम कर, ये इसका सही आंसर बनेगा। निगम कर इसका सही आंसर बनेगा। कॉरपोरेट टैक्स यानी जो कंपनियों से टैक्स वसूला जाता है उसको हम कहते हैं निगम कर, और भारत सरकार की आय का ये सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम कर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चलिए तो आज हम इस प्रश्न को अंतिम प्रश्न के तौर पर आपके सामने लेकर आए हैं। आज चूंकि पहला दिन है तो मैं चाहूँगा कि थोड़े से ही आप क्वेश्चनों के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज हम अंतिम प्रश्न पर डिस्कस करें। अंतिम प्रश्न क्या कह रहे हैं? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन यानी उसका जीवन कैसा है, बढ़िया है कि खराब है, इसका आकलन हम कैसे करेंगे? ऑप्शन दिया है कि सकल राष्ट्रीय आय से यानी जीडीपी से किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का पता नहीं चल पाएगा, ये गलत बात है। ये देश का पता चल पाता है तो ये नहीं होगा। निवल राष्ट्रीय आय एनएनपी से, जी नहीं ये भी देश का पता चल पाता है, ये भी सही नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय से तो खैर पता चल जाता है। और एक दिया है प्रयुज्य निजी आय द्वारा, उसका अपना प्रति व्यक्ति आय तो ठीक है, हर व्यक्ति का कैसे मतलब इनकम है, ये देश के हर व्यक्ति जो है कैसा है, धनवान है या गरीब है, ये प्रति व्यक्ति आय से पता चलेगा। लेकिन स्पेशली किसी खास व्यक्ति के वास्तविक जीवन का पता कब चल पाएगा? जब प्रयुज्य निजी आय उसका पता चलेगा, तो ये आपका सही आंसर बनेगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इस तरह से आज इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताएंगे, और चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।